देहरादून में डिस्ट्रिक्ट जज की मौजूदगी में तीन डॉक्टरों की टीम ने तिवारी का ब्लड सैंपल लिया। इस मौके पर रोहित शेखर और उनकी मां उज्ज्वला शर्मा भी मौजूद थीं। खून लेने की कार्रवाई हाईकोर्ट के सब रजिस्ट्रार के सामने पूरी हुई। एनडी तिवारी का ब्लड सैंपल जांच के लिए हैदराबाद भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट एक हफ्ते के भीतर आ जाएगी। अगर सारी चीजें ठीक सी प्रक्रिया हो जाती है तो निश्चित रूप से रोहित को न्याय मिलेगा, मैं इतना ही कहना चाहूँ। एनडी तिवारी का डीएनए टेस्ट दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है। रोहित शेखर ने दावा किया है कि एनडी तिवारी उनके जैविक पिता हैं।